आज की क्लास में हम लोग क्यूब नंबर के बारे में ये जानेंगे कि कैसे हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई भी क्यूब नंबर है या नहीं है। इसे हम लोगों को फाइंड करना है, यानी बेसिकली क्यूब नंबर को हमें फाइंड करके बताना है। तो कैसे बताएंगे, हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड का नाम फैक्टराइजेशन मेथड है, जो कि हम लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा की हुई है इसके ऊपर, कई वीडियोस में इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर दिया हुआ है, उस नंबर के बारे में ये पता करना है कि ये नंबर आपका क्यूब नंबर है या नहीं है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर कोई नंबर क्यूब नंबर होता है तो उसके बारे में कैसे पता करेंगे। मान लेते हैं कि कोई नंबर है हमारे पास नेचुरल नंबर, वो है एम। एम क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अगर ये नेचुरल नंबर, इसको हमने फाइंड करके कैसे निकाल दिया, एन के क्यूब में हम लोग इसको ले आए, इसका जो इसकी जो शक्ल है वो किस में बदल गई, इसमें बदल जाएगी। तो हम लोग इस एम को कहेंगे कि यस इट इज अ क्यूब नंबर। ये बात क्लियर हो रही है। तो कैसे पता करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से, कि एक नंबर है 1331, इसका हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते ही क्या आ गया, यहां पर आ गया 11 × 11 × 11। तो 11 × 11 × 11 यानी के 3 × 11 है। तो इसके बारे में हम लोग एक्सपोनेंट्स में क्या जानते हैं कि अगर कोई नंबर अपने आप से 3 times क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, तो उसके सर पर एक नंबर हम लोग लिखते हैं 3, और इसी को हम लोग कहते हैं पावर। तो 11 की पावर कितनी आ गई, 3। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा क्यूब नंबर। यही आपका क्या है, ये आपका एम है और ये आपका एन है। तो एन क्यूब, एन की शक्ल में हम लोगों ने, एन क्यूब की शक्ल में हम लोगों ने एम को लिख लिया। तो हम लोग कहेंगे कि यस 1331 इज अ क्यूब नंबर। ये बात क्लियर हो रही है। इसी तरह से इसके बारे में देखिए, यहाँ पे 3 × 2 है और यहाँ 3 × 2 है, हमने पेयर बनाया। तो 3 × 2 का कहने का मतलब हो गया कि 2³ × 2³, और 3 × 3 है तो इसका मतलब हो गया कि 3³। क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले 1728 का हम लोगों ने सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। ये बात समझ आ रही है ना, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये शक्ल आ गई। इसके बाद आप यहाँ पे अब देख लें कि यहाँ हमारे पास जो बेस है वो क्या है, बेस डिफरेंट है। तो जब भी बेस डिफरेंट होते हैं तो उसकी जो क्यूब, उसकी जो पावर होती है वो क्या करते हैं, पावर हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे पावर हम लोग कॉमन ले लेंगे 2 × 2 × 3³। तो क्या निकल कर आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 क्यूब। ये बात क्लियर हो गई। तो 12 का क्यूब यहाँ पे निकल कर आ गया, तो डेट मीन्स ये कि ये जो 1728 है हमारा एक परफेक्ट क्यूब है, सही है ना। इसी तरह से 2197 दिया है यहाँ पर, तो 2197 का सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया। वो प्राइम फैक्टराइजेशन किससे जाने वाला है, ये 13 से डिवाइड करके हम लोगों ने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो यहाँ पे 3 × 13 आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 × 13 का मतलब हो गया कि 13 की पावर 3। तो इसका यह मतलब है कि 2197 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ये बात क्लियर हो गई। इसी तरह से 3375 के बारे में कह रहा है कि ये एक क्यूब नंबर है या नहीं है, यानी परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो क्या आ गया यहाँ पे, 3 × 5 और 3 × 3 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखा हम लोगों ने, 5³ × 3 × 3³। तो दैट मीन्स इन दोनों का हम लोग बेस क्या करेंगे, बेस हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो पावर कॉमन ले लिया हम लोगों ने, अब बेस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 का क्यूब आ गया। तो 15 क्यूब आ गया, तो दैट मीन्स कि ये जो आपका नंबर है 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ये बात क्लियर हो रही है। इसी तरह से ये अगला नंबर आप देखिए, 6859 का क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने 6859 का हम लोगों ने सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टर कर लिया। प्राइम फैक्टर करते ही हम लोगों का यहाँ पे देखिए 3 × क्या निकल कर आ गया, 90 निकल कर आ गया। तो ये 3 × 90 है, तो दैट मींस कि 19 की पावर कितनी आ गई, 19 × 3। तो यहाँ पे ये निकल कर आ गया कि हाँ, ये बात समझ में आ गई कि ये जो 6859 है, 6859 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो यहाँ पे इतने सारे जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये सभी के सभी हम लोगों के क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर्स है। तो कैसे हम लोगों ने निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन इनका करके। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हम लोगों को यहाँ पे मिल क्या रहा है, इनका हम लोगों को मिल रहा है पेयर। कैसा पेयर मिल रहा है, कितने का पेयर मिल रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पे 3 times का पेयर मिला, यानी कोई भी नंबर है वो अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 times मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ बाय चांस अगर मान लेते हैं
क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे जो 11 है इस 11 को हम लोगों ने क्या किया, हटा दिया। तो अब यहाँ पे कितनी पावर आ जाएगी, यहाँ पे 11 की पावर आ जाएगी 2। तो क्या हम लोग अब जब 11 की पावर 2 आ गई तो दैट मीन्स कि ये आपका 121 आ गया। तो क्या ये आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है? तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि नहीं, नो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर यहाँ पे कहेंगे तो ये नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा। ये बात समझ आ रही है? या अगर किसी में क्या किया हम लोगों ने, किसी में कोई एक्स्ट्रा नंबर आ गया, कोई एक्स्ट्रा नंबर आ गया, मान लीजिए यहाँ पे 3 times of 3 के बजाय 4 times of 3 आ गया, तो 4 times of 3 आ गया तो 3 का एक ग्रुप तो बन गया 3 cube, ये तो आ गया, लेकिन एक 3 क्या हो गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया। तो एक 3 एक्स्ट्रा होते ही क्या हो जाएगा कि ये 3 इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करते ही जो नंबर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो नॉन परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। Is that clear? यहां तक ये बात समझ आ गई? यानी ये कि एक नंबर आपका एक्स्ट्रा आ जाए या दो नंबर आपका एक्स्ट्रा आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे एक और 3 ले लिया हम लोगों ने, तो 2 threes क्या हो गए यहाँ पे, यानी कि 2 times of 3 क्या हो गए, यहाँ एक्स्ट्रा हो गए। तो इनसे 3 threes are 9, 9 से फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि वो कौन सा नंबर है। तो कोई भी नंबर निकल कर आएगा, वो जो रिजल्ट आएगा वो नॉन परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। इज दैट क्लियर? अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में से दो क्वेश्चन हैं। दो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि ये नंबर्स दिए हुए हैं कुछ, इन नंबर्स में ऐसा कौन सा नंबर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे कौन से नंबर से इन नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर निकल कर आएगा वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसका ये मतलब सीधी सीधी बात, यहाँ ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये अभी आपका जो नंबर, ये अभी आपके जो नंबर्स दिए हैं, ये सभी के सभी कैसे हैं, नॉन परफेक्ट नंबर्स हैं, नॉन परफेक्ट क्यूब्स हैं। ये बात क्लियर हो रही है? अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। इसका ये मतलब हो गया, सीधी सीधी बात है कि ये नॉन परफेक्ट क्यूब्स हैं ये नंबर्स, जो सेकेंड क्वेश्चन है, और कह रहा है कि इनको ऐसे किसी नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे कि डिवाइड करने पर जो इनका क्वोशेंट होगा वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है ना? तो ऐसा करने के लिए हम लोगों ने स्क्वायर नंबर्स के बारे में पढ़ा है, स्क्वायर नंबर्स के बारे में पढ़ा और स्क्वायर नंबर्स पे क्वेश्चंस किए हैं। तो जो स्क्वायर नंबर के क्वेश्चंस किए हैं उसी तरह के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ये सीधी सीधी बात है, बहुत मिलते जुलते क्या, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वहां पे स्क्वायर पूछ रहा था, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्यूब पूछ रहा है, क्यूब कह रहा है, सही है ना? तो अब यहाँ पे इसमें कह रहा है, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है कि हम लोगों को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट क्यूब नंबर बनाना है। तो जाहिर सी बात है इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे, जिससे हम लोगों को यह बात पता चल जाएगी कि इनके जोड़े मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। और अगर जोड़े नहीं मिल रहे हैं तो कितने ऐसे नंबर ले लेंगे कि वैसे नंबर ले लेंगे कि लेने से और लेकर जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके जोड़े बन जाएंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहला नंबर है 392 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 392 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या निकल कर आया, 3 times of 2 और 2 times of 7, तो ये निकल कर आया। तो यहां से इनके 3 के तो 2 के जो 3 times of 2 है इनका तो हम लोगों को जोड़ा मिल गया 3 का, लेकिन 7 का जोड़ा हम लोगों को 3 का जोड़ा नहीं मिला। तो 3 का जोड़ा करने के लिए अब किससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर में 392 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 392 में 7 से जब तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को 7 का 3 का जोड़ा नहीं मिलेगा, 3 7 हम लोगों को नहीं मिलेंगे और ना ही जो नंबर निकल कर आएगा वो हमारा परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। ये हमारा अभी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो 392 में हम लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करने का करना पड़ेगा। तो 7 2 14 का 4 कैरी हम लोगों के पास कितना आ गया, 1, और 7 9 63 और 164 कैरी हम लोगों के पास कितना आ गया, 6, और 7 3 21 और 6 27। अब ये जो नंबर है आपका, यही नंबर हमारा क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब हो गया। और जब इस परफेक्ट क्यूब का आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 3 times of 2 इन और इनटू 3 times of 7 ये निकल जाएगा, ये इसका आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब इसी तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसी तरह से हम लोगों ने 68,600 का क्या किया,
प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये पहले पता किया कि इसका कौन सा ऐसा नंबर है जो जोड़ा नहीं मिल रहा है तीन का। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि नंबर आया 3 times of 2 और यहां आया 3 times of 7 और 2 times of 5। इसका ये मतलब हो गया साफ साफ, यहां से ये बात पता चल रही है कि 5 वो एक ऐसा नंबर है कि एक 5 अगर यहां पे हम लोग लेकर मल्टीप्लाई करा देते हैं इस नंबर से तो हमारा यहां पे जोड़ा मिल जाएगा और जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। तो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी और मेरा काम, हम लोगों का काम हो जाएगा यहाँ पे। 5 से इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, किसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 5 से, 68,600 को आप लोगों को 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कि क्या नंबर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से 675 है, 675 में यहाँ पे 3 का जोड़ा हम लोगों को 3 बार मिल गया, लेकिन 5 का जोड़ा हम लोगों को 2 ही बार मिला, 2 ही का जोड़ा मिला 5 का। हम लोगों को यहाँ पे 5 के जोड़ा के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और 5 लेकर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 675 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 में जैसे ही हम लोग क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। कितने 5 की जरूरत है, एक। अगर 2 5 की जरूरत होती तो हम लोग 2 5 से मल्टीप्लाई कराते, यानी 5 × 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं ना। अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, वही नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि इसमें हम लोगों को डिवाइड करना है, डिवाइड करके क्या करना है जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोगों को परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो इसके लिए भी हम लोगों को इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा जो कि हम लोगों ने यहां पे किया है ना, करके रखा है यहां। तो देखते हैं यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्या है, 53,240 ये जो नंबर है इसका हम लोगों ने जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हम लोगों को क्या मिला, 3 times of 2 और 3 times of 5 मिला। क्या नहीं मिला हम लोगों को, ये जो 5 है इसके 2 और 5 मिलने थे, मगर यहाँ पे तो हम लोगों को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, करने के लिए हम लोगों को डिवाइड करने के लिए कह रहा है। तो अब इस 5 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी एक 5 हम लोग अपनी तरफ से ले लेते हैं, उस 5 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये 5 क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। कि इसका यही मतलब होता है कि 53,240 को हम लोगों को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो नंबर निकल कर आएगा देख लेते हैं कौन सा नंबर निकल कर आता है। 5 × 5 यहां पे है आपका 32 हो गया, 5 × 5 0, 5 × 6 = 30 यहां पे बच गया आपका 2, फिर इसके बाद में हो गया 5 × 4 = 20 यहां पे आ गया 4, फिर हो गया ये 40, 5 × 8 = 40 ये आपका नंबर निकल कर आया है 10,648 यही हुआ आपका नंबर है जो आपका क्या है, यही वो नंबर आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है। किससे डिवाइड किया हम लोगों ने, 5 से डिवाइड किया, ठीक है। आप लोग एक बार और देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अब यहां से इसी तरह से 1188 है, 1188 के बारे में कह रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर लें जिससे डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, जो डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। तो ये यहाँ हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों करते हैं हम लोग, ये देखने के लिए करते हैं कि इनके जोड़े मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। अगर परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इनको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम लोगों को किसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, जो डिवाइड करना पड़ेगा वो देख लेते हैं हम लोग, जब जोड़ा नहीं मिलेगा तो उसी से डिवाइड कर देंगे। ये बात क्लियर हो रही है, तो समझे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोगों ने जब इसको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो हम लोगों को क्या मिला, 3 के 3 जोड़े मिले, मगर क्या नहीं मिला हम लोगों का, 2 के 1 जोड़ा नहीं मिला और 11 का 2 जोड़े नहीं मिले। तो यहां तो हम लोगों को ये कह नहीं रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए, यहां क्या कह रहा है, डिवाइड करने के लिए। तो क्या करेंगे ना, 11 और 2 = 4, 44 वो ऐसा नंबर होगा जो 44 को हम लोग 44 से हम लोग किसको डिवाइड करेंगे, 1188 को डिवाइड करेंगे। जब 1188 को 44 से डिवाइड कर देंगे तो इससे डिवाइड करने के बाद जो नंबर निकल कर आएगा वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, वही नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। समझ आ रही है बात, क्यों, क्योंकि ये हमारा अभी नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। इसी तरह से 704 के बारे में भी यही करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 3 times of 2 और 3 times of 2 ये मिल गया हम लोगों को, और इसके बाद यहाँ पे बचा कौन, 11 बच गया, 11 सिंगल बचा हुआ है, इसे हम लोग क्या करेंगे, 11 से ही सब नंबर को यानी 704 को 704 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहां से ये 11 क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, चले जाएंगे हवा में,
अब इसके बाद जो नंबर आएगा निकल कर डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम लोग क्यूब नंबर के बारे में जानते हैं और क्यूब नंबर के बारे में हम लोगों ने जाना है। एक आध बातें और रह गई हैं तो उसे भी हम लोग देख लेंगे, आज नहीं तो कल कभी ना कभी देखेंगे, बहुत जल्दी देखेंगे। और बहुत जल्द ही आप लोगों को परसेंटेज वगैरह में जो दिक्कतें आ रही हैं ये मैं समझ रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से, इसकी भी क्लासेस आप लोगों को मिलने वाली, बहुत जल्द मिलने वाली है इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। तो आज की क्लास यहीं तक होती है, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, हम लोगों की मुलाकात होगी आने वाली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।